और मैं रविश कुमार, परिवार की तरह चलने वाली पार्टियां अब कंपनी की तरह चलने लगी हैं। हम चाहते भी तो यही हैं कि देश ही कंपनी की तरह चले, तभी तो हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को CEO भी कहने लगते हैं। हमने भी तो कब का ये स्वीकार कर लिया है कि पेशेवर और सक्षम तरीके से चलने और चलाने का उदाहरण सिर्फ और सिर्फ कंपनी सिस्टम में ही मिल सकता है। पत्रिकाओं के कवर पर जब नेता CEO की तरफ विराजते हैं तो उनके इस अवतार पर राजनीतिक कार्यकर्ता और कंपनी दोनों ही खुश होते हैं। इस कंपनी सिस्टम में एक और बात होती है, जब आपको हटाया नहीं जा सकता मगर रखा भी नहीं जा सकता तो आपके लिए कई पद गढ़े जाते हैं। जैसे अगर कंपनी का सर्वे सर्वा चेयरमैन है तो उससे भी ऊपर ले आकर किसी को प्रेसिडेंट बना देते हैं, और इन दोनों से कुछ ऊपर भी कुछ नहीं मिलता तो मेंटर बना देते हैं। कर्मचारी 2-4 महीने तक गेस करते रहते हैं कि हुजूर प्रमोट हुए हैं या डिमोट, फिर सोचना पूछना छोड़ देते हैं। इस तरह सम्मानित तरीके से कॉरपोरेट कल्चर में कुछ बड़े लोग ऊपर की तरफ ठेल कर ठिकाने लगा दिए जाते हैं और कुछ छोटे लोग नीचे की तरफ धकेल कर बाहर कर दिए जाते हैं। ये प्राइम टाइम है, IIM अहमदाबाद का क्लासरूम नहीं है। BJP ने जो मार्गदर्शक मंडल बनाए हैं, इस मंडल का मार्ग क्या होगा और इसके दर्शनाभिलाषी कौन कौन होंगे किसी को पता नहीं है। 5 सदस्यों के इस मंडल को इस कदर सजाया गया है कि लगे ही ना कि ये इंतजाम सिर्फ आडवाणी या जोशी जी के लिए हुआ है। मार्गदर्शक मंडल का प्रावधान BJP के संविधान में नहीं है, लेकिन जिस तरह से 21वीं सदी की सरकार के लिए 20वीं सदी का योजना आयोग बेकार हो सकता है, उस तरह 20वीं सदी में बनी BJP के लिए 21वीं सदी में एक नया आयोग तो बन ही सकता है। उसी नए आयोग का नाम है मार्गदर्शक मंडल, जिसके सदस्य हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह। इन 5 नामों में से नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के सदस्य हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सिर्फ मार्गदर्शक मंडल में हैं और अटल बिहारी वाजपेयी स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति में पिछले 10 साल से नहीं है। BJP के कार्यकर्ता तो अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान जैसे नारों की भावुकता से कब का दूर निकल चुके हैं। उन्होंने खेल के मैदानों में लगने वाले नारों की तरह मोदी मोदी करना सीख लिया है। BJP के 3 धरोहर अटल आडवाणी और मुरली मनोहर भी अब किसको याद रहा, सिर्फ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा को याद है। याद कीजिए, 1 साल पहले का जून का महीना, गोवा में पूरी BJP मोदी मोदी कर रही थी, दिल्ली में आडवाणी अपना इस्तीफा लिख रहे थे। उनके बगैर शायद वो पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी। ल्यूटियन दिल्ली के मोदी विरोधियों को आडवाणी के इस इस्तीफे से काफी उम्मीद हो गई, मगर इस्तीफा वापस लेकर आडवाणी ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया। आडवाणी ने चुनाव के बाद मोदी की खूब तारीफ की, इतना सब होने के बाद आडवाणी ने कभी क्यों नहीं कहा कि उनके संन्यास लेने का वक्त आ गया है, आखिर वे भी तो कुछ साबित करना चाहते होंगे। एक अच्छा कार्यकर्ता अंतिम समय तक अपने कार्यकर्तापन को नहीं छोड़ता है, लेकिन अगर आडवाणी अपनी ही लिखी चिट्ठी की बातों के लिए लड़ते तो वो और भी यादगार कार्यकर्ता बन सकते थे। उनकी चिट्ठी बस याद दिलाने के लिए पढ़ रहा हूँ, जिसमें वो लिखते हैं कि प्रिय श्री राजनाथ जी, जीवन भर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना मुझे इज्जत और बेइंतहा सुकून की वजह लगता रहा। पिछले कुछ समय से मुझे पार्टी के मौजूदा काम करने के तरीके और जिस दिशा में पार्टी जा रही, वो पार्टी बोलते थे, उससे तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही है। मुझे नहीं लग रहा कि पार्टी डॉक्टर मुखर्जी, दीनदयाल जी, नाना जी और वाजपेयी जी के आदर्शों वाली BJP है, जिसकी एकमात्र चिंता देश और उसकी जनता थी। आज के हमारे अधिकतर नेताओं के निजी एजेंडे हैं, इसलिए मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड, चुनाव समिति से इस्तीफा देने का फैसला किया है, इसे मेरा त्यागपत्र समझा जाए। आपका लाल कृष्ण आडवाणी। इस खत की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही कि इतिहास बनाने से पहले यह खुद इतिहास बन गया। मार्गदर्शक मंडल के दूसरे सक्रिय पार्टनर हैं मुरली मनोहर जोशी, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनारस की सीट छोड़नी पड़ी। कानपुर से जीते मगर मंत्रिमंडल में उम्र की पाबंदी लग गई। 87 साल के बलराम दास टंडन छत्तीसगढ़ और 82 साल के कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल बन गए, मगर इनसे छोटे मुरली मनोहर जोशी जी रह गए। वो अब उस लीग में हैं जिसमें एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक मौजूदा प्रधानमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री और 4 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी कभी अध्यक्ष नहीं रहे, वे सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री के कोटे से मार्गदर्शक हैं। आडवाणी और जोशी को अपने लीग में मोदी को देख अच्छा ही लगा होगा। वैसे BJP नई हो रही है, लगातार बदल रही है, किसी भी पार्टी को बदलना भी चाहिए। अमित शाह जब अध्यक्ष बने तो उनकी टीम के 60% लोगों की उम्र 50 साल या उससे कुछ कम बताई गई, कुछ इक्का दुक्का लोग जरूर 60 या 70 साल के हैं। मंत्रिमंडल में भी चंद अपवादों को छोड़ दें तो उम्र का पैमाना लगभग युवा ही रखा गया है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि BJP में अटल आडवाणी का युग आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। जिस पार्टी को बनाया चलाया उसी के बारे में आडवाणी टीवी पर या न्यूज देखें कि उनके युग की समाप्ति की घोषणा हो गई है तो कैसा लगा होगा।
उस एकांत को समझेंगे तो एक बार आपको डर लगेगा। आखिर क्या बात है कि अडवाणी के प्रति कहीं कोई सहानुभूति नहीं है। मार्गदर्शक मंडल कहीं वो छोटा सा कमरा जो अक्सर कई घरों में होता है, जहां बचे हुए बुजुर्ग रहते हैं, उनकी दवा होती है, छड़ी होती है और होता है टूटा हुआ चश्मा। मुनव्वर राणा साहब के दो शेर हैं, वो इस तरह से हैं कि मुहाजिरों यही तारीख है मकानों की, बनाने वाला हमेशा बरामदों में रहा। एक दूसरा शेर है, मैं अब आंगन में सो जाता हूं, कमरे में नहीं सोता, मेरे बच्चों को अब उतनी परेशानी नहीं होगी। बीजेपी में अगर इस तरह से उम्रवाद छाया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से भी ज्यादा सदस्य मार्गदर्शक मंडल में होंगे। पर बीजेपी ने मार्गदर्शक मंडल ही क्यों बनाया? क्या ऐसा कर बीजेपी उन सवालों से बच गई जिसका सामना उसे सीधे सीधे आडवाणी जोशी को बाहर करने से करना पड़ता? प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत है। संबित पात्रा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, संजय सिंह पॉलिटिकल एडिटर firstpost.com, विनोद शर्मा जी पॉलिटिकल एडिटर ST, अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी सीनियर एडिटर और शाहिद सिद्दीकी साहब वरिष्ठ पत्रकार। कुल मिला के ठीक ठाक मजमा जमा है। चूंकि एक राजनीतिक पार्टी लोक संपत्ति भी होती है संबित साहब, और लोगों से विश्वास प्राप्त करती है, जनादेश प्राप्त करती है, इसलिए उसकी आंतरिक कार्यप्रणाली भी चर्चा का विषय है। अब ये मार्गदर्शक मंडल मजबूरी आयोग है या जरूरी आयोग है, सरल हिंदी में बता दें? नहीं, मजबूरी या जरूरी ये दोनों शब्दों को लाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है मार्गदर्शक मंडल किसी भी संगठन में, परिवार में होता है। जो बुजुर्ग होता है, जो बड़े होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जिनके पास ज्ञान का भंडार होता है, स्वाभाविक रूप से वो मार्गदर्शन करे और उस पे उनके बच्चे चले, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर इन पांच मार्गदर्शक में से दो मार्गदर्शक अगर केंद्रीय चुनाव समिति में और संसदीय बोर्ड में हिस्सा ले सकते हैं तो बाकी दो क्यों नहीं ले सकते? देखिए, क्या केंद्रीय चुनाव समिति या संसदीय बोर्ड की इतनी मतलब हेक्टिक, जिसको कहते हैं व्यस्त बैठकें होती हैं, जिसमें आडवाणी जी जाने में सक्षम नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये विषय क्या ऐसा क्या होता है कि जिसमें आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी नहीं सक्रिय? नहीं नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से पार्टी का निर्णय होता है। एक तो ये पार्टी का निर्णय है, जैसे आपने कहा पार्टी का निर्णय होता है, जिसमें लोकतंत्र में पार्टी लोक संपत्ति होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। तभी आपने सही कहा, आपने सही कहा कि चूंकि एक लोकतंत्र का प्रणाली है, पार्टी एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, इस कारण से आपको जानने का अधिकार है। मगर यहाँ कोई करप्शन नहीं हो गया है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो गया है जिसके कारण कोई जवाबदेही। यहाँ तो एलिवेशन हुआ, परिवार वही कॉर्पोरेट वाला एलिवेशन, एक परिवार चेयरमैन के ऊपर प्रेसिडेंट बना दिया या मेंटर बना दिया। यहाँ पिता को पिता का सम्मान मिला है, जो मार्गदर्शक थे मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच में रहेंगे, उसी टोली में रहेंगे जिस टोली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसमें किसी प्रकार का डिमोट जो आप लोग कह रहे हैं वो तो मैंने ऐसा कहा नहीं, मतलब मैं कौन होता हूँ, आप तो नहीं होते, मगर इंगित तो कर रहे हैं आप। हाँ, इंगित कर रहा हूँ। हाँ, ठीक बात है। अखिलेश, मैं कहीं ऐसा तो पढ़ते हुए नहीं लग रहा था आपको कि मैं ही एक अकेला दिल्ली शहर में बचा हूँ जो आडवाणी के लिए लड़ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जो संबित कह रहे हैं वो उसमें सच्चाई कितनी है, और जो एक साल पहले तक आपने जो आडवाणी का रुतबा देखा है, और उस रुतबा में सिर्फ पावर तो नहीं है, मतलब उनके आडवाणी होने का भी एक रुतबा है, वो रुतबा है या नहीं है वो आप साफ साफ बता दीजिए, जो आप देखते हैं, जो महसूस करते हैं। नहीं, देखिए, रुतबा तो उनका काफ़ी हद तक घटना काफ़ी पहले से शुरू हो गया था। 2009 के चुनाव में जब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, उससे पहले जब जिन्ना कांड हुआ था उसके बाद से उनकी पार्टी पर पकड़ और आरएसएस में जो उनकी गुडविल थी दोनों खत्म होना शुरू हो गई थी। वो उनका पराभव का दौर था जो शुरू हुआ वहाँ से, जिन्ना कांड से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो आपने शुरुआत में चिट्ठी का जिक्र किया जो 10 जून 2013 की गोवा की है, जो आपने पढ़ करके सुनाई, ये चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत अच्छा किया कि इस कार्यक्रम में इसका इस्तेमाल किया। दो बातें हैं। पहली बात तो इसमें उन्होंने नानाजी देशमुख का नाम लिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय के साथ नानाजी देशमुख का नाम लिया। अगर नानाजी देशमुख के बताए हुए रास्ते पर शायद चले होते, बात मानी होती, तो मुझे लगता है कि आज ये नौबत नहीं आती, ना एक घंटा बैठ करके चर्चा हो रही होती कि क्या उनको जबरन रिटायर कर दिया गया है या ही हैज बीन किक्ड अपस्टेयर्स। बाकी नेता डॉक्टर मुखर्जी दीनदयाल जी के आदर्शों पे चलने के लिए ही बीजेपी नहीं, 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 लेकिन नानाजी देशमुख का जो नाम चूंकि आया है, नानाजी देशमुख ने एक नई परंपरा इस देश के भीतर स्थापित की थी, जब 60 साल की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति से दूर होकर समाज सेवा में वो लग गए थे। 62 साल के हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है, दूसरी बात इस चिट्ठी में जो आई है डेंजरस, कि ये चिट्ठी में इस्तीफा दिया था, वो इस्तीफा उन्होंने वापस लेकर अपनी जो रही सही जो साख थी वो मुझे लगता है उस पर उन्होंने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ठीक है, मुझे एक जल्दी से बताइए कि क्या मार्गदर्शन होगा जो आडवाणी जी और जोशी जी के पास ये लोग जाएंगे,
जिस पार्लियामेंट्री बोर्ड में दो मार्गदर्शक ऑलरेडी हैं पहले से, तो वही मार्गदर्शन दे देंगे फिर, है कि नहीं? मार्गदर्शन में 3-2 के बहुमत की तो जरूरत है। मुझे लगता है रवीश, जो अभी बीजेपी जिस हालत में है, जिस सरकार में है, बीजेपी की अपनी जो स्थिति, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड को भी बुला करके फैसला करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जो फैसले करने की ताकत है वो 3 या 4 लोगों के पास है, जिसमें आरएसएस के भी कुछ लोग शामिल हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड एक औपचारिकता है, लेकिन उस औपचारिक व्यवस्था से भी उनको बाहर कर दिया गया है। मार्गदर्शक मंडल का संविधान में कहीं स्थान नहीं है। बीजेपी का अपना जो संविधान, उसकी धारा 25 कहती है संसदीय बोर्ड के बारे में जो है, कि संसदीय बोर्ड खुद मार्गदर्शक का काम करेगा अपनी बाकी इकाइयों के लिए। तो जब संसदीय बोर्ड का काम ही मार्गदर्शन का है, तो फिर एक अलग से मार्गदर्शक मंडल बनाने की क्या जरूरत? साफ साफ बात है कि उनको एक सम्मान देने की, उनको दिखाने के लिए कि हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपके लिए अब समय आ गया कि अब आप हट जाइए, इसलिए मार्गदर्शक मंडल बनाया। विनोद जी, जो ल्यूटियन दिल्ली के जो 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, ये क्या आपको एक राजनीति की विडंबना नहीं लगती है कि हम एक नेता के लिए एक कमेटी में जगह की पर बहस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि जो यथार्थ, आखिर उन्होंने या तो कुछ कमाया नहीं होगा इतने दिनों की राजनीति में, या जो कमाया होगा उसको संभाल नहीं पाए। एक तो वक्त की मार है, वक्त की मार है, और दूसरी बात यह है कि ये जो 5 लोग मार्गदर्शक मंडल में है, इसमें 3 दर्शक हैं और 2 मार्गदर्शक है। 3 दर्शक हैं और 2 मार्गदर्शक हैं। यथार्थ और सच्चाई, पॉलिटिकल सच्चाई यही है। और मैं समझता हूँ कि उम्र का तकादा है और उम्र की मार है और वक्त की मार है। हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक बात कही थी हमारे देशवासियों को ये समझाने के लिए कि बेटों के चक्कर में बेटियां ना मारें, क्योंकि बेटे कई बार ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। तो भेज दिया है बेटे ने ओल्ड एज होम में इनको। हाँ, जरूर बोलिए। नहीं नहीं, इसमें तो मुझे ओल्ड एज होम कहीं नहीं दिखता। इसमें ओल्ड एज होम नहीं, मार्गदर्शक होना कोई ओल्ड एज होम का विषय हो, नहीं, जो ओल्ड दर्शक नहीं, है नहीं, नहीं नहीं, अब ठीक है। देखिए, मेरा मानना है दर्शक हैं, 2 मार्गदर्शक वो तो प्रधानमंत्री जब अपना अपना कह रहे हैं बेटियों का सम्मान कीजिए, बेटों को नहीं तो बीजेपी भी लागू हो जाता है। अगर बहुत सारी बेटियां होती नेतृत्व, जब घर में होता है बड़ा, जब बुजुर्ग घर में होता है तभी वो मार्गदर्शक दे सकता है। ओल्ड एज होम में जो बुजुर्ग होता है तो इसमें मार्गदर्शक नहीं बन सकता। 88 साल के आडवाणी जी किस कोटे से मार्गदर्शक है? उसमें तो 62 साल वाले राजनाथ सिंह भी है। मार्गदर्शक का कौन सा क्राइटेरिया है? बताइए, जिन्होंने पार्टी बनाया अटल और आडवाणी जी, क्या वो मार्गदर्शक नहीं बन सकते हैं? क्या वो पिता तुल्य नहीं हो सकते हैं? तो इसमें कोटे की क्या आवश्यकता? पिता तुल्य तो उस मार्गदर्शक में एक भी माता तुल्य नहीं है, है कि नहीं? ये भी एक सवाल है। चलिए, वो नहीं पूछते हैं, इसमें भी रिजर्वेशन रहेगा। मैं समित भाई समझ रहा हूँ, ये प्रवक्ताओं की के लिए कुछ बुरे दिन होते हैं, कुछ अच्छे दिन होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छे दिन है, मैं कोई हिंसक एंकर नहीं हूँ कि मैं आज आपका सारा हिसाब निकाल लूंगा। मगर मैं एक छोटा सा एक लाइन में और कह दूं। देखिए, एक आपने शुरुआती में जब आपने पढ़ा पूरा कहा था, मुनव्वर राणा वाला शेर पढ़ दूं? नहीं, आपने बढ़िया विषय कहा था कि परिवार की तरह चलने वाली पार्टी, ये बिल्कुल कंपनी की तरह चल रही है। नहीं नहीं, चल रही है कंपनी की तरह ही चल रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ नहीं चल रही है, क्योंकि अभी परिवार की तरह चल रही है। आप देखिए, सिम्बायोसिस देखिए, किसी भी परिवार में अगर जहाँ 4 लोग हैं वहां भी खटपट ऊपर नीचे चलता है, स्वाभाविक है। तो इतने बड़े पार्टी में जिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ ये सब कुछ चल रहा है, मुझे तो ये खटपट है। नहीं, ये खटपट नहीं है, ये खटपट नहीं है। अगर लटपट है, नहीं नहीं, अगर बताइए संबित भाई, रवीश जी, मैं बता रहा हूँ, अगर भी मनमुटाव, थोड़ा बहुत भेदभाव होता तब भी वो चलता, मगर देखिए कितने बढ़िया तरीके से सब कुछ एक पटरी पे चल रहा है, फिर भी लोग पटरी पे चलते हुए किनारे लगाते हैं। शाहिद भाई, आप दूर हैं, संजय जी मैं आता हूँ। एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के रूप में, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में, जो हुआ वो होता आ रहा था, इसलिए आपको हैरानी में नहीं डालता, या आप वाकई आडवाणी के लिए कुछ इन घटनाओं से आपको सहानुभूति होती है? नहीं, मुझे सहानुभूति होती अगर अडवाणी जी हिम्मत हौसला रखते खड़े होने की, लेकिन अडवाणी जी ने खुद अपनी जो आज हालत है उसके लिए अडवाणी जी और जोशी जी भी जिम्मेदार हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि लोग किसी भी हद तक जाकर राजनीति से रिटायर नहीं होते। आप अमेरिका को देखिए, आप इंग्लैंड को देखिए, टोनी ब्लेयर हो कि मार्गरेट थेचर हो कि जॉर्ज बुश हो सीनियर, या
जो भी इनके एक्स प्रेसिडेंट जितने भी हैं वो एक वक्त के बाद ये समझ लेते हैं कि अब हमने अपना काम कर दिया, हमारा जो कंट्रीब्यूशन था हो गया, अब हमें समाज का और पूरे देश के लिए पार्टिजन होके नहीं बल्कि देशव्यापी सोच को लेकर आगे बढ़ना है। अगर अडवाणी जी उस जिम्मेदारी को संभालते और एक इंक्लूसिव राजनीति के लिए लड़ाई लड़ते आगे आकर सिर्फ भाजपा के लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए, तो उनका कद पहले से कहीं बड़ा हो जाता। वो सिर्फ भाजपा के नहीं रह जाते, वो भारत के हो जाते। लेकिन वो उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई और इस देश में नहीं दिखाते। आप देखिए कि सिंगापुर के अंदर ली क्वान यू एक वक्त पे आके छोड़ देते हैं कि ठीक है अब तुम संभालो। सारी दुनिया में ऐसा होता है, सिर्फ भारत ऐसा है कि कहते नहीं, जितना भी बूढ़ा हो जाए आप उसको लेकर चलेंगे। लेकिन आज जमाना बदल गया है, समझदार बूढ़े जो हैं अपने लिए ओल्ड एज होम में पहले से बुकिंग करा लेते हैं और वहां पे जाने की तैयारी कर लेते हैं। वो जानते हैं कि बच्चे मेरे साथ क्या करने वाले हैं। तो इसलिए अडवाणी जी को समझ लेना चाहिए, नए जमाने के साथ उन्हें बुकिंग अपनी करा लेनी चाहिए थी, जोशी जी को करा लेनी चाहिए थी। बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले, तो ये बड़े बेआबरू होकर निकलने की जरूरत नहीं थी। आज जो निकाला जा रहा है बेआबरू करके निकाला जा रहा है, इसको कोई भी नाम दे लीजिए, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार मैं सिर्फ मोदी जी को और भाजपा को नहीं बल्कि खुद इन बुजुर्गों को भी जिम्मेदार ठहराता हूं। पर आपको लगता है कि संबित भाई तो कह रहे हैं कि उनको काफी सम्मान दिया गया है, लेकिन आपको लगता है कि वो काफी बेआबरू करके निकाले गए? वो तो संबित भाई की मजबूरी है। आपने कहा था कि ये जो बेचारे पार्टीज के जो प्रवक्ता होते हैं जब सत्ता में आ जाती है पार्टी तो इनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं तो भुगत चुका हूं कई बार, बड़ी दिक्कत होती है विपक्ष में आपके। हाँ, कि विपक्ष का प्रवक्ता हमेशा सत्य बोलता है। विपक्ष में जब तक है तो प्रवक्ता बहुत मजे में। संजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई, हाँ अपनी बात पूरी कर लीजिए शाहिद भाई। नहीं, मैंने बात पूरी कर ली। प्रवक्ता के चारों हाथ पैर घी में होते हैं और क्या है वो सर कढ़ाई में होता है वगैरह वगैरह वो होता है, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो हर बात को समझाना, हर बात की जवाब आपको देना होता है और गलत काम कर रहे होते हैं सरकार में बैठे आप, आपका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन सारा झेलना आपको पड़ता है। ये एक मुश्किल है। देखिए, हम आपसे कितनी सहानुभूति, इतनी सहानुभूति तो हमारे पैनलिस्ट अडवाणी जी से भी नहीं रखते। बिल्कुल सहानुभूति मत रखिए, मैं सच के राह पे चल रहा हूं, सम्मान दिया जा रहा है। दर्शकों को भी समझना चाहिए, नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक चर्चा परिचर्चा के इन पद्धतियों के बारे में भी वो सोचें। मगर मैं तो इतना कहना चाहता हूं, देखिए हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए उठाकर, बहुत मैं कैंडिड होके बहुत खुले तरीके से मैं डिस्कस करना चाहता हूं। आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देख लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस ये पाएंगे कि किस तरह से सबको लेके चलना एक परिवार के रूप में। आप ये मार्गदर्शक मंडल कभी सोच सकते थे कि कांग्रेस में एक ही मार्ग है, सब जाके 10 जनपद में घुस जाता है सब मार्ग, और एक ही दर्शन है जो गांधी परिवार का दर्शन है। कांग्रेस से नहीं, मैं कांग्रेस से नहीं, जैसे आपने कहा ना कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, तो वैसे ही बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं। उन पब्लिक प्रॉपर्टीज में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें से भारतीय जनता पार्टी का आचरण, विचार, व्यवहार अपने आप में बहुत ही मंझा हुआ, ठीक और जैसे होना चाहिए वैसा है। ठीक है संजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किसी भी क्राइटेरिया से फिट नहीं बैठता है। कि अगर आप एज के क्राइटेरिया से कहें तो इसी मार्गदर्शन मंडल में राजनाथ जी युवा हैं, 60 साल के करीब आसपास उसका मोदी जी का भी एज है ना, और 88 साल के अडवाणी जी भी हैं, 87 साल के व्यक्ति को आप बना रहे हैं। मुझे एक बात समझाइए कि जो भी कह रहा हूँ, एक पत्रकार के नाते जब आप लोग उस मुख्यालय में जाते हैं, जो बदलाव देखा है, इनको ये काल कोठरी है या आराम कोठरी है? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये लोगों को समझ में आए कि अगर कार्यकर्ता बीजेपी के इसे सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छी बात है कि ये उनका परिपक्व होना है कि वो एक ऐसे संस्थापक के विस्थापन को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। देखिए रवि साहब, दो चीजें एक साथ हुई है। कुछ लोग रिवॉर्ड किए गए हैं, राजभवन में भेजे गए हैं, चार लोग, और यहाँ एक फेरबदल हुआ है पार्लियामेंट्री बोर्ड और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में। एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, और ये पांच लोग मार्गदर्शक मंडल में आ गए हैं, जो आप बार बार जिस चीज को कह रहे हैं। अहम ये है कि वो मार्गदर्शक हो सकते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग वाली बॉडी में नहीं रह सकते। मतलब आप फिलोसफिकल ज्ञान दे सकते हैं अगर इफ एट ऑल मार्गदर्शक मंडल की कोई बैठक होती है, इमरजेंसी की खबरें बता सकते हैं या स्मृतियां। अगर मार्गदर्शक मंडल की पहले तो कोई बैठक होती है तब, क्योंकि अटल जी उस बैठक में होंगे नहीं, बाकी लोग पता नहीं मतलब कितने वो होंगे। दूसरी चीज ये है कि इस समय में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का स्ट्रक्चर है, जो चीज अखिलेश कह रहे थे,
आप कोई भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का स्ट्रक्चर केवल फॉर्मल रेटिफिकेशन के लिए इशूज आते हैं, उनके काम क्या है, मुख्यमंत्री को किसको बनाना है, किसको हटाना है, किसी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, कोई बड़ा स्ट्रैटेजी के इशूज आते हैं, वो इशूज इनफॉर्मल ग्रुप्स में हर समय वो डिसाइड होती है और वहाँ एक रेटिफिकेशन के लिए आती है। उसमें जब जिस समय पार्टी सत्ता में होती है उस समय पार्टी का स्वरूप बदल जाता है, जो नेशनल काउंसिल में भी उन लोगों ने कहा किसी भी पार्टी इस समय में एलके आडवाणी, मतलब अटल जी अपने स्वास्थ्य के कारणों से वहां नहीं है और एलके आडवाणी अच्छे स्वास्थ्य के कारणों से उससे बाहर वो हो गए। दूसरी चीज ये है कि आप पहली जो संस्थापक हुए वही उसके वो बाहर गए। देखिए इसे कई तरह के मायने हैं। एक ये अच्छी बात ये भी कह सकते हैं कि देखिए हमारे यहाँ ऐसा जनरेशनल शिफ्ट हुआ है जिसमें अध्यक्ष जो है 50 साल का है और 65 साल से ऊपर डिसीजन मेकिंग में कोई नहीं है, वर्चुअल जो जो भी कोई इंपॉर्टेंट किसी पार्टी में नहीं है। इशू ये है कि जो लार्जर एक कॉन्टेक्स्ट है कि क्या इस समय में ऐसा करना जरूरी था जिस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड की सचमुच कोई अहम भूमिका नहीं है। क्या अमित शाह ने क्यों कही कि इस समय ऐसा करना जरूरी था, इसका जवाब क्या है? इसका देखिए कारण जो है कि अमित शाह को अंदर पार्टी में आना था, जो अब कहा जाता है ऑफिशियली तो इस पे कोई ब्रीफिंग नहीं है, होती क्या आडवाणी जी के सामने बैठ के फैसला लेने में, क्योंकि 12 की संख्या की कोई लिमिटेशन थी, लेकिन इनके अलावा किसी और को हटाया जा सकता था, क्या संविधान में फेरबदल किया जा सकता था, ये तमाम वो पहलू है। और बाकी लोगों को उन लोग को लाया जाना चाहिए जो लोग मतलब नई ऊर्जा का संचार करते हैं और लेकर के चलते हैं, ये तमाम तरह के वहां पे सवाल वो हैं। एलके आडवाणी के लिए वर्चुअली मतलब ये काफी इग्नोमिनी की स्थिति है जहां वर्चुअली आपको दरवाजे पे ला करके मुझे लगता है कि खड़ा कर दिया गया है कि इसके आगे मार्गदर्शक वो ठीक है, भूमिका कहने को संबित पात्रा उस चीज को चैलेंज करें, लेकिन वर्चुअली जो पोजीशन है आपको अच्छा नहीं लगा? लेकिन नहीं मतलब ये होते हुए देखा, एक हम जब कवर करते हैं किसी पार्टी को तो उसके साथ एक जैविक संबंध बन जाते हैं, चाहे हम जितना भी तटस्थ रहे उसको देखते देखते एक नेता का ग्राफ देखते हैं दूसरे का उतरते हुए देखते हैं तो काफी ऑर्गेनिकली देखने लगते हैं। आडवाणी उनका 2004 से सचमुच वो पराभव का दौर शुरू हो गया था और उसमें निरंतर वो हो गया जून 2013 से, मतलब गोवा की जब से वो बैठक हुई जिसमें आरएसएस के लोग, आडवाणी शायद उस मूड को समझ नहीं पाए।